हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस और सीएसएसएल के एग्ज़ाम नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए और मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं बेस्ट इंग्लिश क्वेश्चंस लूँगा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चंस आपके टीयर वन और टीयर टू के लिए हाईली यूज़फुल रहेंगे। तो इन वीडियो क्लासेस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग रिकॉर्ड करूँगा, और अलग अलग वीडियो क्लासेस आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से आप देखिए और ध्यान से सुनिए सारी चीज़ें, एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करें इस वीडियो क्लास को, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, ये स्पॉटिंग करके क्वेश्चन है और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कैर्सिटी। देखिए, दिस इज अ टिपिकल एसएससी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में ग्रामर की मिस्टेक नहीं होती, वर्ल्ड रिलेटेड मिस्टेक होती है। ठीक है, स्पॉटिंग रर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक में वर्ड रिलेटेड मिस्टेक होती है और एक में ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक होती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड अराउंड अस, राउंड नहीं होता, राउंड तो हम शेप को बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड अराउंड अस होगा ये, वर्ल्ड अराउंड अस। तो यहाँ पर ये किस पार्ट में गलती है, इसमें सी पार्ट में इसमें आपकी गलती है, तो सी इसमें आंसर होगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन टू देयर वे टू स्कूल। देखिए, अगेन ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन देयर वे अपने रास्ते पर थे, स्कूल जाने के अपने रास्ते पर थे। तो जो सही फ्रेज होता है वो होता है ऑन देयर वेज, ऑन हिज वे। ठीक है, ऑन टू देयर वे नहीं होगा, तो ऑन टू ये यहाँ पर गलत है। इसके स्थान पर आप लिखेंगे ऑन देयर वे, तो यहाँ पर बी जो है ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये फिलिप के क्वेश्चन है, फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी द फैमिली लाफ्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। देखिए, यहाँ पर लाफ्ड क्या है, लाफ्ड एक वर्ब है, और वर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब से, यानी यहाँ पर आपको जो वर्ड चाहिए वो चाहिए एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब इसमें से केवल एक ही है, हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली मतलब वाइल्ड तरीके से किसी काम को करना या हंसना, यहाँ पे हंसना है। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी मतलब जब उन्होंने कॉमेडी रूटीन को बहुत ज़्यादा फनी उनको लगा, बहुत ज़्यादा हंसाने वाला लगा, तो फैमिली लाफ्ड हिस्टेरिकली अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। रेस्ट ऑफ द क्राउड के साथ फैमिली जो है वो हिस्टेरिकली बहुत तेजी से हंसी। तो यहाँ पर हिस्टेरिकल जो होगा वो आपका सही क्वेश्चन होगा, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू मेक्स इट इजी फॉर। देखिए, यहाँ पर आपको टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और डिटेक्टिव की एबिलिटी क्या होती है, जो जासूस की एबिलिटी क्या होती है, कि वो लोगों को ब्लफ कर सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, ट्रिक कर सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ब्लफ। द डिटेक्टिव्स एबिलिटी टू ब्लफ मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट्स इनटू कन्फेसिंग। मतलब डिटेक्टिव की जो चाल रहती है वो उसको आसान बना देती है कि जो सस्पेक्ट्स होते हैं, जिन्होंने कोई अपराध किया हुआ होता है, उनको वो स्केयर कर सके, उनको डरा सके, ताकि वो कन्फेस कर सके। तो ब्लफ यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस और सीएचएसएल एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा इंटीग्रेटेड टारगेट बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा टीयर वन का इंग्लिश, टीयर टू का इंग्लिश, टीयर थ्री का इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा जीके और करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। सारे वीडियो क्लासेस वेबसाइट पर चलेंगे, और उनको आप एक वीडियो क्लास को कितनी बार आप देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। तो एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए रहेगा, एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो इस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को, इंटीग्रेटेड टारगेट बैच को, आप इस वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंग्लिश एडवांटेज चैनल की, www.examini.in। यहाँ से भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे मैं इंस्टामोजो का लिंक दूंगा, वहाँ से भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए यहां पर देखते हैं सिनोनिम्स बेलिजरेंट। ये कॉमन वर्ड है और कई एग्जाम्स में, कई एसएससी एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। बेलिजरेंट का मतलब होता है जो एग्रेसिव है, ठीक है, जिसको फाइट करने का शौक है। तो सेम मीनिंग होता है एंटागोनिस्टिक का, जो आपका विरोधी है, जो हॉस्टाइल है, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक यहां पर सही आंसर होगा। डेंडी होता है एक्सीलेंट या खूबसूरत, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक यहां पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनडिस्क्रीट, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो डिस्क्रीट क्या होता है? देखिए डिस्क्रीट में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है DISCRET और एक होता है DISCREAT। एक में डबल ई होता है, जिसमें डबल ई होता है उसका मतलब है कि ज़्यादा बुद्धिमान होना, ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, ठीक है। और यदि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो आप कैसे हैं? तो आप केयरलेस हैं, क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है। इन डिस्क्रीट मतलब जो डिस्क्रीट नहीं है, मतलब जो केयरफुल नहीं है, यानी केयरलेस है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन डिस्क्रीट का अर्थ होगा यहाँ पर केयरलेस। एंटोनिम देखते हैं एब्रिज। एब्रिज का मतलब क्या है? एब्रिज का जो सिनोनिम है, एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, जिसको हम कर्टेल भी बोलते हैं, कर्टेल या शॉर्टन करना, ठीक है। और इसको आप कर्टेल नहीं करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे? इलेबोरेट करेंगे। एक होता है कर्टेल मतलब संक्षिप्त, छोटा करना, और एक होता है उसको बड़ा करना, इलेबोरेट या एक्सपेंड करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अबेट का मतलब कॉपरेट करना या हेल्प करना, अबॉर्ट का मतलब फेल हो जाना, इंटाइसमेंट का अर्थ होता है लालच। तो यहां पर इलेबोरेट आपका सही आंसर होगा। इनजेंडर का क्या मतलब? ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, इनजेंडर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना, प्रवोक करना, ये इनजेंडर का मतलब होता है। और डैम्पन का मतलब किसी चीज़ को डिस्करेज करना, डैम्पन। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सी, डैम्पन। इडियम और फ्रेजेस के ये क्वेश्चन है। टू गो ऑफ द एयर, टू गो ऑन द एयर का मतलब होता है किसी चीज का ब्रॉडकास्ट शुरू होना। जैसे हम बोलते हैं कि ये प्रोग्राम ऑन एयर हो जाएगा इतनी तारीख को, ठीक है। तो एक होता है ऑन एयर और एक होता है ऑफ एयर। तो ऑफ एयर का मतलब होता है टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, ये इसका सही आंसर है। टू मेक अ फस अबाउट, किसी चीज के बारे में फस करना, किसी चीज के बारे में नखरे दिखाना या बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होना, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा इन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। आई शुड विद देम टुनाइट, तो शुड के साथ आप क्या लगा सकते हैं? शुड के साथ हैज नहीं आएगा। शुड के साथ आप प्रेजेंट टेंस में हैव लगा सकते हैं और हैव बीन आप लगा सकते हैं। आई शुड हैव बीन विद देम टुनाइट, मतलब आज की रात मुझे उनके साथ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर सही जो आंसर होगा वो होगा हैव बीन। शुड के साथ या तो हैव आ सकता है या हैव बीन आ सकता है, हैज बीन नहीं आ सकता, बीन नहीं आ सकता। और शुड के साथ चूंकि हैज नहीं आ सकता, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका हैव बीन। सेम ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस। एसएससी के एग्ज़ाम में यदि आप इंग्लिश की तैयारी अच्छी करते हैं तो इंग्लिश में 100% तक आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेट पैटर्न पर आते हैं। ही मस्ट नॉट, आप देखिए मस्ट नॉट क्या है? मस्ट नॉट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में दिया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल इसमें दिया है, बी लेफ्ट। ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट। बी के साथ थर्ड फॉर्म हम इसलिए लगा रहे हैं यहां पर क्योंकि ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा सी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस, कोई चीज एकदम शांत है, वहां पर डिस्टरबेंस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। इसका सही आंसर होगा ट्रैंक्विल। और ये जो वर्ड्स हैं एजिटेटेड, कैओटिक और वायलेंट, ये इसके एक्चुअली इसके सिनोनिम है ये। यानी एजिटेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोरगुल हो, कैओटिक का मतलब भी यही होता है, वायलेंट का मतलब भी यही है,
ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंसेस के लिए यहां पर ट्रैंक्विल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फासन इन ए रिंग यूज फॉर लेइंग ऑन ए ग्रेव. आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, जैसे किसी को हम श्रद्धांजलि देते हैं तो फूलों का एक राउंड शेप में एक गुलदस्ता टाइप का होता है, ठीक है, तो वो ये पूछा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीथ. राउंड शेप में एक फूलों का एक फ्लावर का एक बुके होता है ये, इसको हम रीथ बोलते हैं. रीथ यहां पर आपका सही आंसर होगा. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. देखिए एसएससी एग्जाम में इनकरेक्टली वर्ड भी पूछा जा सकता है और करेक्टली वर्ड भी पूछा जा सकता है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड. तो पजेस, पजेस की सही स्पेलिंग क्या है? पजेस में हम लगाते हैं पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस, इसमें ई एस भी एक्चुअली लगा हुआ है, पी ओ डबल एस ई डबल एस ई एस, इसमें फर्स्ट जो है ये आपकी सही स्पेलिंग है. मर्मरिंग का अर्थ होता है फुसफुसाना, तो मर्मरिंग में हम लगाते हैं एम यू आर एम यू आर आई एन जी, डबल आर नहीं आता इसमें, एम यू आर एम यू आर आई एन जी, ये इसका सही आंसर आपका होगा. देखिए ये पैराजंबल के क्वेश्चन हैं और पैराजंबल के क्वेश्चन पूरी तरीके से लॉजिकल ट्रिक पर आधारित होते हैं. देखिए मैं यहाँ पर आपको लॉजिक बताऊंगा और इस लॉजिक या ट्रिक से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. देयर वॉज नो नीड टू, ठीक है, देयर वॉज नो नीड टू. अब टू के बाद यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है? इसमें तो है नहीं और इसमें भी नहीं है, इसमें है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा देयर वॉज नो नीड टू सेट ए वॉच, ठीक है, फॉर वी हैड. देखिए नथिंग के बाद हम बोलते हैं जैसे नथिंग टू फियर, नथिंग टू वरी हम बोलते हैं, नथिंग टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है. उसी इसी तरीके से नथिंग के साथ यहां पर नथिंग टू फियर जुड़ जाएगा. और यहां पर दिया है एनीबडी, एनीबडी और, एनीबडी और, इसका मतलब यह है कि एनीबडी का इक्विवेलेंट यहां पर जुड़ेगा, तो यहां पर जुड़ जाएगा आपका एनीथिंग, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसका आंसर आपका होगा. इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना, ये इसका आंसर है. अब देखिए इसमें भी मैं सेम ट्रिक अप्लाई करूंगा. दिस आइडिया हाउ एवर स्टार्टिंग इट मे, देखिए एक फ्रेज होता है एट फर्स्ट, तो एट यहां पर लगा है तो यहां पर फर्स्ट जुड़ जाएगा, एट फर्स्ट, ठीक है, और एस के साथ बिफोर जुड़ता है एज बिफोर, तो यहां पर ये सेकंड सेंटेंस जुड़ जाएगा. एनालॉजी ऑफ चेंजेस, एनालॉजी ऑफ चेंजेस नाउ गोइंग ऑन, तो चेंजेस के बाद आप गोइंग ऑन जुड़ा बोल सकते हैं, तो इसमें भी आपका एक्स वाई जेड ही सही आंसर आपका होगा. सॉरी एक्स वाई जेड इसमें आपका सही आंसर होगा. ये हैं आपके पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस. देखिए यदि एक्टिव वॉइस आता है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस आता है तो उसको एक्टिव में चेंज करना है. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ लिखा गया है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है. तो ये जो सेंटेंस है, ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब. ही आया है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट आया है, मेल्ड का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, तो ही मेल ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ. ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस है क्योंकि पैसिव वॉइस में हम वॉज वर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसमें इज एम आर और वॉज वर नहीं है, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है. अब एक्टिव को जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ठीक है, यानी एप्लीकेशन से ये सेंटेंस शुरू होगा. और इसमें वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है उसको हम वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है. तो अब आप देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म केवल इसी सेंटेंस में है, बी में, इसमें इज मेल्ड है, इसमें वॉज मेल्ड है, ठीक है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी वॉज मेल्ड जो आपको वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए वो केवल इसी सेंटेंस में है, इसलिए इसका आंसर होगा बी.
काफी सरल होते हैं ये, और इनको यदि आपको अच्छे तरीके से पता है इनके रूल्स रेगुलेशंस, तो आप आसानी से 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये नरेशन का क्वेश्चन है, ओ व्हाट ए डर्टी चाइल्ड सेड माय आंट। ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन आएगा इसमें। और व्हाट ए डर्टी चाइल्ड जो सेंटेंस है, इसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माय आंट एक्सप्लेन्ड दैट, इसमें हम दैट लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं, तो इसमें हम कनेक्टर की जगह दैट लगाते हैं। माय आंट एक्सक्लेम्ड डिसगस्टेडली दैट द चाइल्ड वॉज वेरी डर्टी। तो इसमें आपका सी, इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने बेस्ट क्वेश्चंस ये सीरीज स्टार्ट की है, और एसएससी, सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इन क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपलोड करूँगा। इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो क्लास आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.examinee.in से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से भी इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।